भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं, जिसे 56 भोग कहा जाता है। बाल गोपाल को लगाए जाने वाले इस 56 भोग की बड़ी महिमा है। तो भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के व्यंजन का भोग क्यों लगाया जाता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का बाल्यकाल गोकुल में बीता था। उनकी माता यशोदा उन्हें प्रतिदिन 8 प्रहर मतलब दिन में 8 बार भोजन कराती थी, अर्थात बाल कृष्ण एक दिन में 8 बार भोजन करते थे। एक बार जब इंद्र के प्रकोप से सारे ब्रज को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तब लगातार 7 दिन तक श्री कृष्ण ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था। 8वें दिन जब भगवान ने देखा कि अब इंद्र की वर्षा बंद हो गई है, तब सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत से बाहर निकल जाने को कहा। तब दिन में 8 बार भोजन करने वाले बाल कृष्ण को लगातार 7 दिन तक भूखा रहना उनके ब्रजवासियों और मैया यशोदा के लिए बड़ा कष्टप्रद हुआ। तब सभी ब्रजवासियों सहित माता यशोदा ने 7 दिन और 8 प्रहर के हिसाब से 56 व्यंजनों का भोग बाल गोपाल को लगाया। मतलब एक दिन में बाल कृष्ण 8 बार भोजन करते थे, परंतु जब गोवर्धन पर्वत उठाए थे तब उन्हें 7 दिन भूखा रहना पड़ा। तो एक दिन का 8 बार भोजन यानी 7 दिन का 56 बार भोजन हुआ। मतलब अगर बाल कृष्ण गोवर्धन न उठाते तो 7 दिन में 56 बार भोजन करते। इसलिए माता यशोदा ने 56 भोग बनाकर बाल कृष्ण को खिलाया था, तभी से ये 56 भोग प्रचलित है। एक अन्य मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि गौलोक में भगवान श्री कृष्ण राधिका जी के साथ एक दिव्य कमल पर विराजते हैं। उस कमल की 3 परतें होती हैं। इसके पहले परत में 8, दूसरे परत में 16 और तीसरे परत में 32 पंखुड़ियां होती हैं। इस प्रत्येक पंखुड़ी पर एक प्रमुख सखी और मध्य में भगवान विराजते हैं। इस तरह कुल पंखुड़ियों की संख्या 56 होती है। यहाँ 56 संख्या का यही अर्थ है, अतः 56 भोग से भगवान श्री कृष्ण अपनी सखियों संग तृप्त होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार एक बार श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपियों ने ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान किया। ये सभी गोपियां श्री कृष्ण को अपना वर रूप में देखना चाहती थीं। इस स्नान के बाद सभी गोपियों ने माता कात्यायनी से श्री कृष्ण को वर रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। गोपियों ने उद्यापन में माता कात्यायनी को कृष्ण के पसंदीदा 56 प्रकार के भोजन की पेशकश की। इसके बाद ही 56 भोग अस्तित्व में आया। अगर आपको समझ में आ गया कि श्री कृष्ण को 56 भोग क्यों लगाया जाता है, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। और भी ऐसी रोचक रोचक जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें।